नाटक फ्लावर्स कौन से पैटर्न में अरेंज्ड हैं? दिस दैट इज नोन एज दी इनफ्लोरेसेंस. ये दो टाइप्स की है, रेसमोस एंड साइमोस. जब इस तरीके का पैटर्न होगा, दिस इज नोन एज दी रेसमोस इनफ्लोरेसेंस. यहाँ क्या है, टिप पे फ्लावर नहीं है. व्हाट डज इट मीन कि फ्लावर्स उगने के बाद भी जो ये स्टेम है, सेंट्रल एक्सिस है, इट विल ग्रो कॉन्टिन्यूसली. तो जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड रहेगी, इनडेफिनेट रहेगी. फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर विल बी इनडेफिनेट, ग्रोथ विल बी अनलिमिटेड. और ऊपर ऊपर यंग फ्लावर आएंगे, नीचे नीचे क्या होंगे, ओल्ड और लार्ज फ्लावर्स होंगे. साइमोस इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ क्या होता है, टिप पे फ्लावर आता है, तो फ्लावर भी डेफिनेट नंबर के होंगे, ग्रोथ भी लिमिटेड होगी. और ऊपर जो है वो ओल्डर फ्लावर होंगे, नीचे क्या होंगे, यंगर फ्लावर. दिस इज द एक्रोपिटल अरेंजमेंट एंड दिस वन इज द बेसिपिटल अरेंजमेंट. उसके बाद मैंने बताया था आपको, मैं बता चुकी हूँ कि एक फ्लावर के अंदर फोर मेन पार्ट्स होते हैं जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये जो गाइनोशियम है, दिस इज दी ओवरी, फीमेल पार्ट है ये. एंड्रोशियम जो है ऐसे, ये मेल पार्ट होता है. कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी है, ये डेकोरेशन और अदर प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, राइट. तो पोजिशन ऑफ दी ओवरी बताया था मैंने. आप क्या करते हो, जब एक बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट प्लांट फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो फ्लावर को डाइसेक्ट करके हम ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर्स के नाम रखते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस. मैंने इसकी ट्रिक्स बताई थी एग्जाम्पल लर्न करने की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से आते हैं. थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करके लर्न करोगे बायोलॉजी में तो कहीं मार नहीं खाओगे. हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस. मैं एक एनिमेशन दिखाती हूँ आपको, एक वीडियो दिखाती हूँ. दे हैव ब्यूटिफुली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरी. थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. एक बार देखो इसको ध्यान से, बहुत छोटा सा वीडियो है, इट विल टेक ओनली 4 or 5 minutes. आगे बढ़कर याद करने, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको फ्लावर के टाइप्स का एक्सप्लेनेशन और उसके अलावा अपने एग्जांपल्स को याद करने का टेक्निक दोनों याद करूंगा, सिखाने वाला हूँ. मोस्टली नीट के एग्जाम में इनके ऊपर कंसेप्चुअल बेस्ड और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दैट इज व्हाट आई वाज सीइंग कि सारे इसमें कंसेप्चुअल और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो रूट, लीफ और स्टेम, उसमें कुछ इतने खास क्वेश्चंस नहीं बनते. फ्लावर पार्ट में ये जो गाइनोशियम की पोजीशन है, ओवरी की पोजीशन है, इसपे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. ये हम देख चुके हैं ना, दिस इज द स्टिग्मा, ये लंबी सी जो लाइन है स्टाइल. देखो फीमेल पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि एक्चुअली रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, आगे जो सीड का बनना, फ्रूट का बनना, सब यही. फूल लगेगा तो फल उगेगा. वो फल कहाँ से बना, ओवरी से बना. सपोज आप टमाटर खाते हो, टमाटर एक्चुअली उसके फूल की ओवरी है. आप अमरूद खाते हो, गुवावा, दैट इज दी ओवरी. मैंगो इज दी ओवरी. जितने भी आप फ्रूट्स खा रहे हो, ऑल आर दी ओवरीज. ये ओवरीज ही फ्यूचर में क्या बनती है, फ्रूट. ये फीमेल पार्ट है. ये येलो येलो कलर के देख रहे हो, ये मेल पार्ट है, इनके नंबर वेरी करते हैं. रेड कलर की जो कलरफुल पत्तियां होती है, दीज आर दी कोरोला. कोरोला मतलब पेटल्स. ये ग्रीन ग्रीन कलर की सेपल्स, जब कली होती है तो ये बंद होती है, फिर ये खुल जाती है फ्लावर में. दिस इज दी पेडिसल. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. गाइनो वर्ड जहाँ भी आता है बेटा, वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. एंड्रो वर्ड्स मेल को. गायनोकोलॉजिस्ट जो फीमेल, फीमेल्स की डॉक्टर्स होती हैं, जो फीमेल के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज से डील करती हैं, दोज आर नोन एज गायनोकोलॉजिस्ट. ये जरूरी नहीं है कि गायनोकोलॉजिस्ट एक फीमेल ही होगी, दैट कैन बी अ मेल. ठीक है, वो तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन ये डील किससे करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. तो आइए आज सीख लेते हैं वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको इतने वर्ड्स बार 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 इंपॉर्टेंट होंगे,
आइए आज हम सीख लेते हैं वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि वर्ड्स मोस्टली प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं दूसरे वर्ड्स के सामने। तो अगर आपने कोई प्रीफिक्स का मीनिंग पता है तो जो भी वर्ड आपको पहले सीखने, कोई भी टर्म अगर आपको दे रखी है उस टर्म को संधि भी चेंज जिसको हिंदी में कहते हैं स्प्लिट करके आप लोग उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइपो। हाइपो जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मीनिंग होगा किसी चीज के नीचे, अंडर या बीनिथ समथिंग। जैसे वर्ड में बोला था हाइपोडर्मिस, अपने को पता होगा कि हाइपोडर्मिस स्किन के नीचे लेयर को कहते हैं, डर्मिस का मतलब हो गया स्किन, हाइपो का मतलब हो गया अंडर, तो हाइपो इज अंडर और बीनिथ। सेकंड वर्ड है पेरी। पेरी वर्ड भी बायो में बहुत से टर्म्स में यूज होता है, तो पेरी जहां पे भी वर्ड आएगा इसका मीनिंग समथिंग का उसके चारों तरफ, अराउंड समथिंग इज पेरी। जैसे अगर मैं बोलूं कि पेरी एनल ग्लैंड्स, सुना होगा आपने टर्म पेरी एनल ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ग्लैंड्स अराउंड द एनस पार्ट। ये आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं लर्न करने की, ताकि आप कभी नहीं भूलो, लिख लेना इनको। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। गाइनस वर्ड जहां भी आएगा बेटे वो ओवरी को ही रिप्रेजेंट करेगा। आपको अब लर्न कैसे करना, हाइपो मतलब अंडर, अंडर दी ओवरी, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस ओवर दी अराउंड दी ओवरी, एपीगाइनस अबव दी ओवरी। सीख रहे हैं तो वापस बता रहा हूँ, हाइपो मतलब नीचे, पेरी मतलब चारों तरफ और एपी मतलब ऊपर की तरफ। तो चलिए हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं वापस। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फ्लावर पिस्टल या कार्पल, देखिए काइनोशियम की पोजीशन, ये जो कैलिक्स है कैलिक्स कहाँ से आ रहा है, ओवरी के नीचे वाले पार्ट से, पेटल्स या कोरोला, कोरोला भी ये कह रहे हैं कि इस फ्लावर को ध्यान से देखो, दिस इज दी ओवरी सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं बेटा। ये वाली जो पेटल है ना ये बैक साइड पे है, तो आपको ऐसे लग रहा है ऊपर है बट एक्चुअली नीचे से ही स्टार्ट हो रही है। द पॉइंट इज कि सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, स्टैमन नीचे से हो रहा है, पर्पल कलर की पेटल नीचे से हो रही है, ग्रीन कलर की सेपल नीचे से हो रही है, तो इस तरीके की इमेज आ जाती है कई बार। तो इस तरीके के फ्लावर को आप क्या कहोगे, हाइपोगाइनस, ऑल दी पार्ट्स अराइजेस बिलो दी ओवरी, सारे ओवरी के नीचे हैं। अब इसमें देखो ओवरी नीचे की तरफ धसी हुई है, थैलेमस के अंदर है ओवरी, सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से हैं। हम ये स्टिग्मा, ये स्टाइल इसको नहीं देख रहे हम, दिस इज दी ये देख रहे हो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। वी आर डीलिंग विद द ओवरी ओनली, एपीगाइनस अबव द ओवरी, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस सब ओवरी के अबव अराइज हो रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की इमेज देखने को मिलती है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि यस दिस इज द एपीगाइनस फ्लावर। और इसी ओवरी के आसपास ही, यानी अगर आप देखोगे तो कैलिक्स बेस से हमें देखना होता है, ये बेस था, सारे पार्ट्स बेस के लेवल से अराइज हो रहे थे, तो अब बिलो दी ओवरी थे सारे के सारे हाइपोगाइनस, यहाँ सब बेस के ऊपर है, सेपल्स ऊपर है, पेटल्स ऊपर है, स्टैमेन ऊपर है, तो ये एपीगाइनस, यहाँ ये ओवरी है, लगभग सारे इसके इर्द गिर्द ही है, इसके अराउंड ही है, तो ये क्या हो जाएगी पेरीगाइनस नीचे वाले। तो हाइपोगाइनस फ्लावर किसको कहेंगे, हम देखा जरूरत पर गाइनस फ्लावर। अब सिमिलर है इसका मतलब फीमेल पार्ट, यानी अराउंड दी ओवरी, फ्लावर के सारे पार्ट ओवरी के आसपास की ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वर्ड बनेगा अपना पेरीगाइनस। अगर इस तरह से अगर आप इनको याद करोगे और समझने की कोशिश करोगे, और अगर इसी तरह से आपने बैलेंस के बाकी के सारे टर्म्स भी समझे हैं, तो बिलीव मी आप सब कुछ कभी नहीं कंफ्यूज नहीं, अपने को लाइंस को अच्छे से समझ सके, एनसीईआरटी पे फोकस करें। मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझे, उसको याद करने का ट्राई करें, तभी आप पेटल ओवरी के नीचे से कैलिक्स ओवरी के नीचे बिल्कुल सही अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हैं। और ये कह रहा है कि गाइनोशियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो जब सब कुछ ओवरी के नीचे, कई बार क्या है एमसीक्यूज में प्रीवियस इयर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अब तो क्या है कि बोर्ड्स में भी आपका वो आता है, सेशन रीजन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। हाइपोगाइनस ये टर्म्स होती हैं कि ऑड वन आउट निकालने की, कौन सी इस पे अप्लाई नहीं हो रही, तो
हाईएस्ट पोजीशन, तो इसमें अपने को अलग से याद करने का कुछ नहीं है। एट में और एम्स में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपको घूम आता है, नए वर्ड्स यूज करके आपसे आपसे टर्म्स को निकलवाना चाहता है, तो अगर आपके कंसेप्ट सुपीरियर है तो आप कहीं पे भी नहीं अटकने वाले। इस तरह की ओवरी कौन कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। देखिए गलत नहीं है ये वर्ड, सुपीरियर ओवरी की जैसे ओवरी ओवरी से सुपीरियर यानी सबसे टॉप मोस्ट क्लास आपको हाइपोवेनस देखने को मिलेंगे। एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, क्लास पहली लाइन की पैटर्न से कंसिस्टेंट है सबसे ओवरी के ऊपर से जनरेटर। इसको समझने का ट्राई करो, देखिए सेकंड लाइन में वो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है कि जो थैले में एपिगाइनस में क्या होता है, ओवरी थैलेमस के अंदर धसी हुई है, ठीक है, तो जो थैलेमस के मार्जिन्स होते हैं वो अबव, ये देख रहे हो अबव साइड पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे पार्ट्स जो है वो उसके ऊपर ही अराइज होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो लेकिन ये जैसे एग्जांपल्स या इमेजेस आती हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक एक इमेज है डायग्राम है उसे अच्छे से देख लेना। पेरिगाइनस में क्या होता है, पेरी मतलब अराउंड, गाइनस मतलब ओवरी, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ओवरी और बाकी अदर पार्ट्स जो है वो सारे लगभग सेम लेवल पर होंगे। गाइनोशियम सेंटर पर अवस्थित है, अगर आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको ये पैनिक बम्पर मिल जाएगा। एक बार फटाफट देखता हूँ हाइपोगाइनस, आप भी इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास। सुपीरियर समझते हो ना, ओवरी ऊपर है बाकी पार्ट्स नीचे हैं, इंफीरियर ओवरी नीचे है बाकी सारे पार्ट्स ऊपर है, हाफ इंफीरियर कह लो या हाफ सुपीरियर कह लो बात एक ही है, अभी आधी ऊपर है आधी नीचे है। एग्जाम्पल्स मस्टर्ड चाइना रोजल देखो एज का ज्यादा तो बस ट्रिक चाइनीज पेपर के चीज का मतलब है, ट्रिक्स मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है प्लीज उसको वहीं से कर लेना। तो ये था कि टाइप्स ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी, एग्जांपल की ट्रिक्स मैंने यहाँ दी हुई हैं, एनिमेशन मैंने आपको दिखा दे, इफ यू वांट आई विल शेयर दैट वीडियो इन द ग्रुप इटसेल्फ, वहां से आप देख लेना सुन लेना दोबारा से। सिंबल्स क्या होंगे, ओवरी ऊपर है बाकी सारे पार्ट्स नीचे हैं तो लाइन नीचे लगेगी, यहाँ पे जी जो है वो ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन बाकी पार्ट्स को, पेरिगाइनस सेम लेवल पर है, एपिगाइनस ओवरी नीचे है फ्लावर्स ऊपर है तो लाइन जो है वो ऊपर लग जाएगी, ठीक है। फिर आती है एक प्लेसेंटेशन, एक मैंने आपको बताया था एस्टिवेशन, अलग अलग टर्म्स है बेटा वो ध्यान रखनी है आपको। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या था कि सेपल और पेटल्स का फूल जब बड में होगा, कली जब होती है फ्लावर की, आपने देखा पत्तियां एक दूसरे के ऊपर मुड़ी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं, जब फूल खिल जाता है तब तो बात अलग है, जब वो कली की फॉर्म में होता है तो उसकी पत्तियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, वो कौन से पैटर्न में अरेंज है, दैट इज नोन एज द एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड द पेटल्स इन द फ्लावर बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम व्हर्ल इज नोन एज द एस्टिवेशन, कि वो आपस में अरेंज कैसे हैं। कल मैंने बताया था वेलवेट, जैसे मान लो सारी सेपल्स और पेटल एक दूसरे को टच कर रही हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं करता, कली को देखना कभी किसी फ्लावर की, उस कली में मान लो सारी एक दूसरे को टच कर रही हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही, बंद है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सी वी रमन कैलोट्रोपिस, वी से वेलवेट एस्टिवेशन, इस तरह से आप इसको लर्न कर लेना। कैलोट्रोपिस आक का पौधा होता है जो हमारे घरों के आसपास आपको किसी न किसी प्लॉट में मिल जाएगा। ट्विस्टेड, ट्विस्ट तो समझते ही होगे ना, जिसे वो ट्विस्ट कर रही है, ये देख रहे हो एक काइंड बाहर है एक अंदर है, फिर एक बाहर है फिर एक अंदर है, फिर बाहर फिर अंदर, ये ट्विस्ट करनी है, तो इसका मैंने एग्जांपल बताया था चाइनीज लेडी हैज
ट्विन चिल्ड्रन. चाइनीज मतलब चाइना रोज, लेडी मतलब लेडी फिंगर, ठीक है, ट्विन मतलब ट्विस्ट या ट्विस्टेड, ठीक है, चिल्ड्रन मतलब कॉटन. तो ये बीच में ट्विस्टेड इसीलिए आ गया ना कि आपको ट्रिक याद रह जाए. आपको अपने तरीके से एग्जाम्पल लर्न करने हैं तो वैसे कर लेना, लेकिन एग्जाम्पल्स लर्न जरूर कर लेना. इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ये ना तो पूरी तरह से ट्विस्टेड है, ठीक है, इरेगुलर सा अरेंजमेंट है. यहाँ देखना आप, एक पत्ती ऐसी है जो पूरी तरह से कवर्ड है, मतलब इसके दोनों एंड अंदर है. एक ऐसी है जो पूरी तरह से फ्री है, ठीक है, फिर दो ऐसी हैं, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, फिर ये बाहर ये अंदर. तो ये इम्ब्रिकेट है, मतलब एक पूरी तरह अंदर एक पूरी तरह बाहर है, बाकी सारी क्या है, ट्विस्टेड. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एडवोकेट फाइट गुलशंस केस, इसके लर्न कर लेना. इम्ब्रिकेट गुलमोहर केसिया, इस तरीके से इसको याद कर लेना आप. वेक्सिलरी पेपिलोनेशियस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं. मटर के फ्लावर के अंदर आपने शायद मटर का फूल भी बहुत कम देखा होगा, एक अलग ही तरीके का अरेंजमेंट होता है उसमें. कील जैसे, मतलब एक बड़ी पत्ती होती है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, दो साइड में पत्तियां होती हैं विंग्स, और दो आगे पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम कील कहते हैं. मैं क्लास में जरूर दिखाऊंगी आपको पीका फ्लावर प्रैक्टिकल्स में. तो इस तरह का जो एस्टिमेशन है वो क्या है, वेक्सिलरी और पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन. टर्म्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना बेटा. ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर्स के अलग अलग टाइप है, एपिगाइनस पेरिगाइनस हाइपोगाइनस, ठीक है. एस्टिमेशन क्या होती है, जब फ्लावर स्लीप कर रहा होता है बड फॉर्म में होता है तो उस वक्त उसकी सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज नोन एज दी एस्टिवेशन. ऑलराइट, उसके बाद है प्लेसेंटेशन. एक ओवरी के अंदर, अब हम ओवरी ओवरी बार बार बोल रहे हैं, ओवरी में ओव्यूल्स भी तो होंगे ना. क्या होता है, मैंने बताया आपको कि फूल लगता है तभी फल लगता है, ऐसा ही होगा. जैसे अब फ्लावर में हम देखते हैं ये क्या है, स्टिग्मा, दिस इज दी स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है. ये जो ओवरी है बेटा, ये ही क्या बनेगी फ्यूचर में, फ्रूट. फ्रूट में सीड होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स कल को क्या बनेंगे, सीड. इट मीन्स जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं सीड में. आप एप्पल खा दो, एप्पल इज दी ओवरी, उसके जो बीज निकलते हैं वो उसके ओव्यूल्स हैं. तो एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज नोन एज दी प्लेसेंटेशन, ठीक है. प्लेसेंटा होता है जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करके रखते हैं, राइट. एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज नोन एज दी प्लेसेंटेशन. ये आपको याद रखनी है, एस्टिवेशन प्लेसेंटेशन, कंफ्यूज नहीं हो जाना. वैसे कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन दी ओवरी कह लो, या कह लो अरेंजमेंट ऑफ दी ओव्यूल इन दी ओवरी इज नोन एज दी प्लेसेंटेशन. आपने टमाटर देखा, टमाटर को काटो सेंटर में से, उसके बीज का पैटर्न अलग है, सेब के बीज का पैटर्न अलग है, ठीक है, और मटर में बीज अलग तरीके से अरेंज है. तो सब भी अंदर जो होता है सीड का अरेंजमेंट अलग अलग होता है. दिस इज नोन एज द प्लेसेंटेशन. अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन. मान लो ये ओवरी है, ठीक है, तो इसके जो सेंटर में क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है. ये देख रहे हो, ये ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा, ये लाइनें खींची हुई है, दिस इज द प्लेसेंटा. टमाटर में देखने को मिलता है, एग्जांपल है टी एल सी, टमाटो लेमन और चाइना रोज. ये जो नींबू में, टमाटर में, ऑरेंज में, चाइना रोज में, इस अगर आप ओवरी को काटोगे तो उसमें सीड्स इस तरीके से मिलते हैं. मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी इसका. पेराइटल, पेराइटल का मतलब होता है पेरीफ्री के अंदर. यहाँ क्या था बेटा, ये ओवरी है, ओवरी में प्लेसेंटा ने क्या कंपार्टमेंट्स बना दिए, लोक्यूल्स बना दिए, और प्लेसेंटा के ऊपर यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है, दिस इज द एग्जाइल प्लेसेंटेशन. पेराइटल में क्या होता है, कोई पार्टीशन नहीं है, लोक्यूल नहीं है, प्लेसेंटा सिर्फ पेरीफ्री में प्रेजेंट है, बाहर बाहर, ठीक है, और ओव्यूल्स वहां अरेंज है. मस्टर्ड में, आर्जिमोन में पेराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है मैप, ठीक है. फ्री सेंट्रल सीड के अंदर, जब ओव्यूल ओवरी के अंदर फ्री सेंटर में सीड प्रेजेंट हो, दिस इज नोन एज दी फ्री सेंट्रल डीपी, डायंथस एंड प्रिमरोज. बेसल, ओवरी के जब बेस पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज दी बेसल प्रेजेंटेशन. मार्जिनल मटर में देखने को मिलती है. मटर, आप किसी ने, हर किसी ने अपनी लाइफ में मटर जरूर देखा होगा. मटर को जो आप खोलते हो, जिस पार्ट पे सीड अटैच होते हैं वो वेंट्रल रीजन होता है. ध्यान देना, मटर को आपने खोला, ओपन किया,
जिस पोर्शन पे सीड अटैच है दिस इज द वेंट्रल सूचर वेंट्रल रीजन, वहां पे सीड प्रेजेंट होती है. तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मतलब मार्जिन पे सीड जो है वो प्रेजेंट है. एनिमेशन देखो, इन्होंने खूब अच्छे से समझाया. दिस इज वन ऑफ माई सीनियर जिसके वीडियोज बहुत बहुत फेमस है, एक बार ये देखना. वेलकम टू लिपेनिज्म. I'm Dr. Dipen Shah and hum log discuss kar rahe hain concept from morphology of flowering plants. Same इन्होंने वही समझाया है, बस लर्न करने का तरीका अलग है. क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ तो इतने सही से डायग्राम्स नहीं बन पाते. आप इसको सुनो ध्यान से, वही चीज है जो मैंने नोट्स में लिखी है. जितना ज्यादा गहराई से समझोगे रट्टा उतना कम लगाना पड़ेगा. देखो, इस somebody ask you perigynous, तो कंफ्यूज मत हो जाना क्या है. पेरी अराउंड, गाइनस ओवरी, सारे पार्ट्स ओवरी के अराउंड है तो वो पेरिगाइनस हो गया. किसी ने कहा हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब ओवरी, मतलब सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं. एपिगाइनस, सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से अरेंज होते हैं. इफ समबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है जब एक फ्लावर बड फॉर्म में है तो उसकी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर कैसे मुड़ी हैं, कैसे अरेंज हैं, दिस इज द एस्टिवेशन. वेलवेट, एम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी. प्लेसेंटेशन, एक ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है, या ओवरी ओव्यूल का, आप दोनों बातें लिख सकते हो. ओव्यूल का अरेंजमेंट या प्लेसेंटा का अरेंजमेंट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन. एंड दैट इज अबाउट व्यूवर्स अटैच होता है टू द ओवरी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फर्टाइल टिश्यू पे अटैच होता है टू द से अटैच होता है विद द ओवरी. एंड स्टॉक जस्ट पॉइंट पे अटैच होता है, स्टॉक से अटैच होता है विद द ओवरी. And stalk just point pe attach hota hai to the ovary, there is presence of a fertile tissue or this fertile tissue. Ye maan lo ovary hai. So is placenta ke relation mein. ठीक है, ovary में ovule होता है, पर ovule ऐसे ही नहीं present होता. Ovule ovary से जैसे बच्चा माँ के पेट में placenta से attach है. अच्छा, otherwise उसको nutrition कैसे मिलेगा? Flower के अंदर भी ovule जो ovary में होता है वो एक tissue पे attach होता है, nutritious tissue होता है जो उसको nourishment देता है. This tissue is known as the placenta. देखो, जहां placenta होगा वहीं ovule होगा. तो आप कह दो कि arrangement of placenta in the ovary is placentation, एक ही बात है. आप कह दो arrangement of the ovule in the ovary, placentation, बात वही है. जहां placenta होगा वहीं क्या होगा, ovule होगा. Ovules का जो arrangement होता है उस classification को we call it as placentation. करने से पहले आई मत भूलना, माँ बाप को कभी मत हो दैट कुछ भी हो जाए लाइफ में, माँ बाप को कभी मत भूलना. माँ बाप जो हमारे लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं हमारे लाइफ में, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी इमेंस कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज अनकंडीशनल लव. तो कुछ भी हो जाए माँ बाप को कभी मत भूलो, माँ बाप को अपने लाइफ का सेंटर बना लो. सिर्फ सुपरफिशियल प्यार नहीं होना चाहिए, माँ बाप को लाइफ का सेंटर बना लो, सुपरफिशियल प्यार नहीं होना चाहिए. तो इसी मैसेज से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ प्लेसेंटेशन. नो, प्लेसेंटेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है जो आप लोग को याद रखना है वो है माँ बाप. सो माँ बाप को मैंने क्या बोला, लाइफ का सेंटर बना लो और माँ बाप से प्यार सुपरफिशियल नहीं करना है, ये प्यार डीप होना चाहिए, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए. सो माँ बाप से फर्स्ट टाइप का प्लेसेंटेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. द सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन. ये आपको सब ट्रिक्स बता रहे हैं लर्न करने की, जरूरी नहीं है इसी ट्रिक से लर्न करना है, बट हाँ इससे करते हो तो इजी हो जाएगा. एल प्लेसेंटेशन या एक्सियल. द फोर्थ टाइप इज नोन एज द पैराइटल प्लेसेंटेशन. द फिफ्थ is known as central, या उसको free central भी बोल सकते हैं. And the sixth type is superficial placentation. So माँबाप को life का center बना लो, superficial प्यार मत करो उनसे. So marginal placentation में इस diagram में if you observe कि ये जो placenta है, this is the placenta over here. And ये placenta एक margin बना रहा है and it forms a ridge. So there is presence of ridge. और ये ridge जो होता है that is present on the ventral suture of the ovary. So ovary का जो wall होगा उसके ventral suture पे this placenta is forming a ridge of specifically two rows. So two rows का ridge होगा. And यहाँ पे placenta पे जो margin में है यहाँ पे ये ovule के stalks present है. And इस ovule के stalk पे
यहाँ पे प्रेजेंस होगा ओव्यूल का. सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल एंड ओव्यूल का जो स्टॉक है दैट इज अटैच्ड टू अ कॉमन मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, हेंस दिस प्लेसेंटेशन इज नोन एज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन. और ये जो ओव्यूल्स हम लोग को रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, ऐसा डायग्राम तुम लोग ने ऑब्जर्व किया है, ऐसा तुम लोग ने रियल लाइफ में देखा रहेगा. मटर पी प्लांट, तो जब हम लोग मटर को ओपन करते तो सिंगल साइड के ओपनिंग में ये ओव्यूल जो है दिस आर अटैच टू द कॉमन मार्जिन which forms a ridge of two rows and that the placental ridge is present on the ventral suture of the ovary. So example, simple sa ho gaya, pea plant. Uske alawa even acacia ya even tamarind mein there is presence of marginal presentation, but most important example is the pea plant. The second type of arrangement jahan pe this is the ovary stigma style and ovary pe यहाँ पे ऐसा ओव्यूल का प्रेजेंस है ओवरी के अंदर अटैच टू अ स्टॉक एंड स्टॉक जो है दैट इज अटैच टू दिस फर्टाइल टिश्यू प्लेसेंटा. और ये प्लेसेंटा वहां पे प्रेजेंट है तो इट्स प्रेजेंट ऑन द बेसल सरफेस. सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज द बेसल प्लेसेंटेशन, जहां पे बेस पे प्लेसेंटा का प्रेजेंस है एंड दिस इज द ओव्यूल व्हिच इज ओरिएंटेड एट द बेस ऑफ द ओवरी. बेसल प्लेसेंटेशन हम लोग को ऑब्जर्व करने मिलता है इन प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड एंड sunflower. So marigold and sunflower are the important examples of basal placentation. The third type of placentation jahan pe central axis se central axis jo hai that forms the placenta aur is central axis se there is production of this ovules. So yahan pe aisa ovules are produced. So all the ovules are attached to the central axis and this central axis is forming the placenta. So this is known as the axial placentation. Ye axial placentation jo hai hum log ko dekhne milta hai in plants like China rose, lemon and tomato. So China rose, lemon and tomato mein we observe axial placentation jo hai central axis pe the ovules are attached. The fourth type of placentation is known as the parietal placentation, jahan pe ओवरी के अंदर और इट्स इनर वॉल कंटेन्स द प्रेजेंस ऑफ दिस ओव्यूल. सो इस इनर वॉल से जब ऐसे ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड देन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इट इज नोन एज पैराइटल. तो पैराइटल का मतलब जो इनर वॉल से ओव्यूल्स का अटैचमेंट हो रहा है. ऐसा पैराइटल प्रेजेंटेशन हम लोग को देखने मिलता है plants like mustard and arugula. The fifth type of presentation is called central, ya fir isko bola jata hai free central presentation. Yahan pe bhi central axis pe the ovules are attached. Now important point is ये दोनों डायग्राम सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है? There is presence of septa. यहाँ पे septa का प्रेजेंस नहीं है. Hence it is also known as central या free central type of placentation, जिसमें example है plants like primrose and dianthus. Primrose and dianthus. Additional type जो है, that is the superficial placentation, जो NCERT textbook में नहीं दिया, but it is important for your entrance. Superficial placentation में ये बहुत सारे septa का presence है, और septa पे there is origination of this ovules. Ovules ऐसे बहुत सारे रहेंगे, but they are arising from the septa. So ऐसे हर एक chamber में से लोक्यूल्स का मतलब होता है जब ओवरी जो है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड हो. आप इन इमेजेस को देख लेना, एग्जांपल्स की ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखी है. तो इसमें क्या होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर एग्जांपल पूछे जाते हैं. ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है? कन्फ्यूजन हो जाती है फ्री सेंट्रल के अंदर या फिर एग्जाइल के अंदर, या ये सुपरफिशियल, ये कंफ्यूजन है. बेसल तो अपने आप में ही अलग है, बेस पे है. ठीक है, द मार्जिनल बिल्कुल अलग है, मटर में अलग तरीके से ही होता है. तो नींबू, संतरा, टमाटो, ये सिट्रस जो होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स हैं, इनमें ध्यान रख लेना कि एग्जाइल है. और एक पॉइंट जो तुम लोग को एंट्रेंस के लिए याद रखना है कि यहाँ पे जो ओवरी प्रेजेंट है, this ovary is going to be known as the unilocular ovary. एक ही लोक्यूल है, यहाँ कोई सेगमेंट नहीं है. unilocular ovary, और इसमें
एक ही कार्पल में ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, दिस यू मे नो इट. सिमिलरली बेसल प्लेसेंटेशन में भी देयर इज अ सिंगल चेंबर, हेंस इट इज आल्सो नोन एज यूनिलोक्युलर ओवरी. बट व्हेन यू ऑब्जर्व दिस एग्जाम प्रेजेंटेशन, यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेप्टा जिसके वजह से बहुत सारे कंपार्टमेंट है. इसके लिए एग्जाम प्रेजेंटेशन में वी मेंशन दैट इट इज मल्टीलोक्युलर. So, यहाँ पे जो ओवरी होगा दैट इज मल्टीलोक्युलर. सिमिलरली इन पैरेटल प्रेजेंटेशन देयर इज अ सिंगल चेंबर ओनली, सो अगेन दिस विल बी नोन एज द यूनिलोक्युलर. बट इवन रिमेंबर दैट एक पैरेटल प्रेजेंटेशन में देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ अ सेप्टा व्हिच इज नोन एज अ फॉल्स सेप्टा. और इस फॉल्स सेप्टम का अगर प्रेजेंस हुआ देन इट बिकम्स बाइलोक्युलर, बट अदरवाइज इट इज यूनिलोक्युलर ओनली. सिमिलरली सेंट्रल में भी यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे सेप्टा का प्रेजेंस नहीं है, एंड दिस इज अ यूनिलोक्युलर ओवरी. यहाँ पे टोटली सेप्टा एब्सेंट. प्रेजेंटेशंस को पढ़ लेना अपने आप से अच्छे से, नोट्स में से एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं वहां पर भी, इट्स लगा के लर्न कर लेना. वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, एक बार इसको खुद से देखना, क्योंकि पढ़ने से इतना अच्छे से याद नहीं होता जितना आप देख के उसके इमेजेस से लर्न कर सकते हो. फिर आता है फ्रूट. फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? फ्रूट के अंदर. ठीक है, फ्रूट इज कॉल्ड एज द मैच्योर्ड ओवरी. ठीक है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएंगे. ठीक है, फ्रूट्स आर द सीड्स. Fruits and the seeds arises from the ovary after the fertilization. ठीक है, अब जो जिस पौधे पे फूल लगेगा फल भी उसी पे ही लगेगा. तो एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फ्रूट. पार्थिनोकार्पी क्या होता है? वैसे तो देखो फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तभी फ्रूट बनता है. अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कोई फ्रूट बनता है दिस इज नोन एज द पार्थिनोकार्पी. केला देखा है, बनाना सीड नहीं होता, सीडलेस है वो, दिस इज द पार्थिनोकार्पी. ठीक है, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? द फ्रूट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी ओनली. अगर सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट आएगा तो वो क्या होगा? ट्रू फ्रूट. अगर ओवरी के अलावा अदर पार्ट से भी फ्रूट्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट्स. ठीक है, ये सीड है, उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या है? पेरी कप. जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो में उसकी गुठली निकलती है, जो आप खाते हो फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका पेरिकार्प. ये डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है. नारियल में अलग चीजों से होते हैं, जो पेरिकार्प होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स. आउटर मोस्ट पील होती है जो हार्ड होती है, दिस इज द एपिकार्प. मिडिल वाला पार्ट होता है जो उसकी गरी होती है व्हाइट व्हाइट कलर की, दिस इज दी मीजोकार्प. एंडोकार्प क्या होता है? जो उसके सीड के अराउंड प्रेजेंट होती है लेयर, दिस इज नोन एज दी एंडोकार्प. ठीक है, तो कोकोनट के अंदर क्या है? बाहर फाइबरस पार्ट होता है. ठीक है, दिस इज दी मीजोकार्प. बीच में एक जो व्हाइट पार्ट होता है, फिर क्या है उसके अंदर? सीड. नारियल के अंदर भी एक छोटा सा सीड होता है ना. कोकोनट और जो मैंगो होते हैं वो उनको ड्रूप कहते हैं. ड्रूप का मतलब होता है, ये डेफिनेशंस लर्न कर लेना, और ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है कि ड्रूप क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है. अगर सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट आता है दिस इज दी ट्रू फ्रूट. ओवरी के अलावा अदर पार्ट्स भी इन्वॉल्व है तो वो क्या होंगे? फॉल्स फ्रूट. ड्रूप का मतलब होता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से अगर मिले. मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल फीमेल पार्ट होना चाहिए प्लांट में, दो तीन पार्ट नहीं होने चाहिए फीमेल वाले. ओवरी सुपीरियर होनी चाहिए. देखो ये लिखा है ना जी, और नीचे लाइन है मतलब सुपीरियर. जी वन मतलब एक ही है ओवरी, और वो भी क्या है? सुपीरियर है. अगर ऐसी ओवरी से कोई फल उगता है तो वो क्या है? ड्रूप. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. कोकोनट और मैंगो इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो फिर सीड होते हैं दो तरीके के होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट. मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, सीड में दो कॉटिलेडन है तो डाइकोट, वन कॉटिलेडन है तो मोनोकोट होगा. गेहूं है, मक्का है, ये मोनोकोट है. चना है, राजमा है, बीन्स वगैरह, ये क्या है? डाइकोट्स है. इसमें देख लेना एक बार ये सीड्स के बारे में. वैसे ये ट्वेल्थ में पूरा डिटेल में चैप्टर आना है, अभी के लिए आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ना है. सीड क्या है, कितने डाइकोट्स है, उसका एग्जाम्पल क्या है. सिर्फ ये पोर्शन बच गया फैमिलीज वाला, फ्लोरल फॉर्मूला वाला. ये मैं कल कराऊंगी, सैटरडे आई विल नॉट टेक द लेक्चर. तो उसके बाद लेक्चर होगा आपका मंडे को. ये फ्लोरल फॉर्मूला वाला पार्ट कंप्लीट करके मंडे इसका मैं टेस्ट लूंगी. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अभी क्या है, फ्लावर पढ़ने के बाद हमें तीन फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ने. ऐसे बहुत होते हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी में, अगर आप कुछ करते हो, मास्टर डिग्री करते हो, बॉटनी में करते हो,
तो उसमें क्या है आपको मतलब लगभग 100-500 इतनी इतनी फैमिलीज के फोलक्लोरल फॉर्मूला लर्न करने होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ही है, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर द नॉलेज, बेसिक नॉलेज कि कहीं कुछ लिखा हुआ ऐसा आ जाता है तो आप अनजान ना हो कि क्या है। ज्यादातर नीट में क्वेश्चन आते हैं ऐसे फॉर्मूला लिखा होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी फैमिली का है, इन तीन में से ही पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तीन ही मेंशन। बिफोर वी डिस्कस द फ्लोरल फॉर्मूला मैंने जितना कराया है इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। कल ये कंप्लीट करके ट्यूजडे से नया चैप्टर करेंगे, मंडे विल बी द टेस्ट। हो सकता है मैं मंडे से ही चैप्टर स्टार्ट कर दूं और मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? कल मैं लेक्चर लूंगी जरूर।